मशहूर हेयर स्टाइल जावेद हबीब ने बाल काटने के दौरान खातून के सर पर थूक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जावेद हबीब ने बाल काटने के दौरान खातून के सर पर थूक दिया। पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जावेद हबीब रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में तरबियती वर्कशॉप के दौरान एक खातून के बाल काट रहे थे, जब उन्होंने वहां मौजूद खातून के बाल काटने के दौरान कहा कि बाल गंदे हैं, शैम्पू अच्छी तरह नहीं किया गया, अगर पानी की कमी हो तो, ये कहकर जावेद हबीब ने खातून के सर पर थूक दिया। जावेद हबीब ने यह भी कहा कि थूक में बहुत जान है। जावेद हबीब की इस हरकत पर वहां मौजूद दीगर खवातीन ने तो तालियां बजाई, लेकिन जिन खातून के सर पर थूका गया वो नाराज हो गए। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी हेयर स्टाइल्स को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने पुलिस से जावेद हबीब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। शदीद तनकीद के बाद जावेद हबीब ने वीडियो पैगाम के जरिए खातून से माफी मांग ली। देखा, मेरे बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है।